ओके जी। कौन बोला एनकेसी सर खराब पढ़ाते हैं? कौन बोला एनकेसी सर खराब पढ़ाते हैं? अबे यार गजब आदमी हो तुम लोग, खराब पढ़ाता है बंदा, मतलब इतने दिन से पढ़ा रहे हैं एनकेसी सर, खराब पढ़ाते हैं तुम लोग यार ना, असली टीचर लोग की पहचान ही नहीं कर पाते हो। अच्छा पढ़ाते हैं भाई, अच्छा पढ़ाते हैं, खराब क्यों पढ़ाएंगे यार। देखिए भाई, मैं जहां तक जानता हूँ कि टीचर अच्छा बुरा अपने एक्सपीरियंस से होता है ना। कोई आईआईटी बॉम्बे का आया हुआ भी अगर रहेगा एक साल, अभी उसको नहीं हुआ पढ़ाते पढ़ाते, मैं उसको एकदम बुरा बोलूंगा, है ना। 10 ईयर तक ना पढ़ा ले तब तक आप किसी काम में महारत हासिल नहीं कर सकते, इट्स अ रियल थिंग, है ना। तो 1-2 साल अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग क्या जानेंगे कि असली चीज क्या होता है। जब तक आप 10 साल तक, जैसे अभी क्या है कि तुम लोग मेरे तीसरे बैच हो, ठीक है, थर्ड ईयर है। नहीं ऐसा नहीं है श्रेया यार, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, ठीक है। अब जैसे एनकेसी सर है, ही हैज एटलीस्ट 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ना, कम से कम उतना तो होगा। योर पंकज सर 10+ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एटलीस्ट जो 10 साल तक पढ़ाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, जैसे तुम्हें अगर मैं 10 साल तक एक ही चीज करवाता रहूं, एक ही चीज कर, मान लो मैं 10 साल तक पढ़ा लिया तुमको, तो 10 साल में अगर मैं 1 साल में मान लो 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो 1000 ब्रेन से मैं 10 साल तक ऐसे जूझूंगा। 1 साल में अगर 1000 बच्चे पढ़ा रहा हूं, ये 10000 ब्रेन जो है, उनके डाउट, उनके बात करने का तरीका, उनके सोचने का, हाँ अमित गुप्ता सर इज आल्सो वेरी ऑसम टीचर, बट उनकी राइटिंग वगैरह थोड़ी आपको कम समझ में आएगी, उनके बोलने का तरीका थोड़ा कम समझ में आएगा आपको। वो बहुत एडवांस पढ़ा देते हैं, मतलब वो तुरंत कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ही आल्सो डजंट नो कि वो कहाँ कब कहाँ है और कब कहाँ चले जाएंगे, उनको खुद नहीं पता। मैं एक लेक्चर उनका देख रहा था जब वो न्यूक्लियस में पढ़ाते थे, एक यूट्यूब चैनल उसमें खोले थे पिछले लॉकडाउन के समय, तो वो कोई जेई उसका एयर ड्रैग का सवाल कर रहा था रीडो का, है ना, कुछ लिखे यहाँ पे एफ ड्रैग इज इक्वल टू कोई इक्वेशन लिखे, और फिर पता नहीं कहाँ से 3-4 स्टेप ओमिट करके खा पी के पहुंच गए यहाँ पे। हम कह ला हमको खुद नहीं समझ में आया, तो फिर एक बच्चा बोलने लगा कि सर क्या किए हैं समझ नहीं आया, फिर दूसरा बच्चा कमेंट बोला क्या किए हैं, तब वो बताए देखो मैंने इसके बाद ये लिया, फिर इसके बाद ये लिया, फिर इसके बाद ये लिया, और उनकी आवाज थोड़ी समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ऐसी चीज है, अगर लाइफ की बात करें, जैसे आप एक छोटे बच्चे को समझो, आप मेड हायर करते हो ना घर में, कई लोग मेड हायर करते हैं, किसका ख्याल रखना है, इसको चलाना सिखा देना, लेकिन क्या वो जब बड़ा हो जाएगा तब भी मेड के संस्कार उसको आप देना चाहोगे, या मेड उसको सिखाएंगे जिंदगी में, आप सिखाओगे ना जो उसके मम्मी पापा वो सिखाएंगे। बिकॉज वही चीज है, जब आप जेई मेन लेवल तक पढ़ते हो तो सबकी बातें आपको समझ में आती है, सब आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस बेटा बहुत मैटर करता है। तो मैं आपको हमेशा इसीलिए इंसिस्ट भी करता हूँ, मेरे सेशंस देख के भी कुछ ना कुछ काम किया करो साथ साथ में, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, 110% मैटर करता है, क्योंकि पढ़ाना एक कला है, और कला तभी आएगी जब आप उसका बार बार अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी लोग कहते हैं एनकेसी सर ये हैं वो हैं, ये सब कुछ नहीं यार। हाँ पहले वो नीट फील्ड से थे, मतलब नीट वालों को पढ़ाते थे, सो वो थोड़ा सा अटायर उनके साथ वो जुड़ा हुआ है।